दोस्तों, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और मैं बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। और आज का हमारा विषय है कि क्या आपको अपने धंधे में, व्यापार में क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है बॉस, ये बिजनेस है। बिजनेस में नुकसान, नफा, नुकसान तो चलता ही है। रात है तो सुबह तो होगी होगी, अगर बाढ़ है, सूखा है तो हरियाली तो आएगी आएगी। अगर आपको प्रॉफिट है तो नुकसान होगा, नुकसान है तो प्रॉफिट भी ज़रूर होगा। आपने वो हु मूव माई चीज़ पढ़ी है? आपने हु मूव माई चीज़ क्या हुआ? वो चारों के चारों लोग जो थे वो स्टेशन सी में पहुंचे और उनको हर रोज़ चीज़ मिलता था, लेकिन एक दिन को चीज़ मिलना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बदलाव जो है वो नियम है, बदलाव होगा होगा। एक बात समझ लीजिएगा कि आपके लिए नुकसान होना गलत नहीं है। नुकसान है धंधे में, कोई बात नहीं, हर एक के नुकसान होता ही होता है धंधे के अंदर। नुकसान का होना गलत नहीं है, लेकिन उस नुकसान से कहीं आपने हार तो नहीं मान ली? जो सकारात्मक दृष्टिकोण का इंसान होता है वो नुकसान होने पर हार नहीं मानता। आप हार नहीं सकते हो, या तो आप जीतते हो या फिर आप सीखते हो, आप हारते नहीं हो किसी भी हालत में। इस नुकसान के होने से अपने हार को मत मान लेना। हार में और नुकसान होने में फर्क है। मैं तो कहता हूँ अब आएगा मज़ा, यस, अब जीत का मजा आएगा, क्योंकि बाकी सब लोग तो आपके हारने के इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं आज कि किस प्रकार से वो क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम लोग अपने व्यापार को और बेहतर बना सकते हैं। अगर नुकसान है तो कैसे उसको प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये एसर्टेन करना है कि जो नुकसान आपको हो रहे हैं ये किस कारण से, किन फैक्टर्स के कारण से हो रहे हैं। तीन फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई टैक्सेस हैं, जैसे GST है, बाकी टैक्सेस हैं। इन टैक्सेस के कारण से आपकी कॉस्ट आप बढ़ चुकी है, जिसके कारण से आपको ऑर्डर्स जो है वो नहीं मिलते। मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है, या फिर आपको अपने प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज का प्राइस आपको नहीं मिलते हैं। ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, गॉड्स एक्ट है, या फिर आपके बैड डेट्स बढ़ चुके हैं, आपको लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। गुड्स रिटर्न हद से ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, जैसे मैं कह के चुका हूँ। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। दूसरा आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स में है कि क्या आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, या आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, मशीनें पुरानी हो चुकी हैं, या आपके एम्प्लॉयज़ काम करने को तैयार नहीं, पिलफरेज बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत ज़्यादा है आपके विद इन फैक्ट्री, आपके चोरियाँ जो है बहुत ज़्यादा होती चली जा रही हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कौन से? ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसके बाद आता है आपका एक और फैक्टर, वो है लीडरशिप फैक्टर्स, आपकी ट्रेन की स्पीड। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेन की स्पीड कभी भी कंपार्टमेंट पे, बोगीज पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, ये वो बोगीज हैं जिनके अंदर सारे पैसेंजर चढ़ते हैं, सारे एम्प्लॉयज हैं, आपके सारे के सारे कस्टमर हैं, लेकिन मान के चलिए कि आपकी ट्रेन की स्पीड हमेशा, आपके धंधे की स्पीड हमेशा आपके इंजन पर, उसके ट्रैक पर जिसमें वो इंजन चल रहा है उस पर डिपेंड करती है। किस ट्रैक पे चल रहे हैं साहब आप? वही ढर्रे पर, वही 50, 60, 70 साल पुराने ट्रैक हैं, उनमें सब की सब गाड़ियां चली जा रही हैं। आपने ट्रैक को कभी चेंज नहीं किया है, उसी पुराने ढर्रे पर, उसी तरीके पर जब सब के सब जा रहे हैं, उसी ढर्रे पर, उसी ट्रैक पर आप चल रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी में चेंज नहीं किया है। नुकसान क्यों नहीं होगा? हर हालत में होगा। जैसे आपको चीज की मैं कहानी सुना के चुका हूँ, पहले भी आपको सुना के चुका हूँ। देखिए, बदलाव तो करना ही पड़ेगा आपको। तो या तो स्ट्रेटजीज पर, वो जो ट्रैक पे आप जा रहे हो उसमें कमी है, या फिर आपके डोम में वो जो लीडरशिप है उसने अपने आप को चेंज नहीं किया है। चेंज तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपकी जो स्ट्रेटजीज के अलावा, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सोच है, आपके जो बिजनेस करने का, धंधा करने का तरीका है, क्या वो जंजीन हो चुका है, हैकनेट हो चुका है, बनाल हो चुका है, आपके पास कोई नई आइडियाज नहीं है, तो वो हो सकता है कि एक रीजन हो जिसके कारण से आपको प्रॉफिट ना मिल पा रहा हो। धंधा जो है हमेशा फ्यूचर की प्रिडिक्शंस को लेकर चलता है, मैं मानता हूँ। क्या ऐसा तो नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा एक्यूरेट अपनी जो प्रिडिक्शन थी वो नहीं थी? धंधा हमेशा, इंसान बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचता है। ऊंचा सोचने में कोई मुश्किल नहीं है, सोचो यार, बिल्कुल सोचो, जितना ऊंचा सोचोगे उतना ही तो अचीव कर पाओगे। लेकिन ख्याल रखना, उड़ो, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको नीचे धरती दिखाई ना दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने उड़ान के चक्कर में आपने इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर ली कि आपको फ्यूचर के होने वाले नुकसान, आपकी कॉस्ट आपके हाथ से निकल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ये सोच करके कि मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, आपने लोन ले लिए हो, आपने CC लिमिट ले ली हो, आपने टर्म डिपॉजिट ले लिए हो, आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड के जितने लिमिट है सबको क्रॉस कर लिया हो, ये सोच कर कि जरूर मुझे प्रॉफिट होगा?
उड़ो, जरूर उड़ो, लेकिन उतना ही उड़ो ताकि आपको नीचे धरती दिखाई देती रहे। अपने आप को धरातल में भी रखिए, वहां तक नजर रखिए, जरूर रखिए, उड़ो, बहुत उड़ो। पहले तो आप ये बताइए कि क्या आप इस नुकसान के कारण से आप बार बार चिंता कर रहे हैं? क्या क्या चिंता करके मिलने क्या वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बार बार क्यों चिंता कर रहे हो? क्या आप एक जोक के ऊपर बार बार हंस सकते हो? नहीं हंस सकते ना। तो एक नुकसान के ऊपर बार बार क्यों चिंता कर रहे हो? बार बार क्या? एक बार भी चिंता नहीं करनी है अगर आपको आगे प्रोग्रेस करनी है। क्योंकि अगर आप चिंता कर रहे हो तो आपका माइंड ऑक्यूपाइड है उस चिंता के ऊपर, उस नुकसान के ऊपर। बार बार नुकसान के ऊपर चिंता करने वाला इंसान सोच ही नहीं सकता है। आपको इस अपने माइंड को फ्री करके आगे के बारे में सोचना है। पीछे जो हो चुका है उसको मिट्टी डालो, आगे चलो यार। नेक्स्ट जो बड़ा रीजन है वो है आपके लोन्स को लेना। आप जो ये लोन्स लेते हो ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड के बराबर होती है कि अगर आप लेते हो तो आप फंसते हो, अगर आप नहीं लेते हो तो आप फंसते हो। आप लेते हो जिसके कारण से आपके एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और एक्सपेंसेस बढ़ने के बाद से आपको यही नहीं पता होता कि आपके जो उसके कारण से जो आपके लोन के इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जब तक आप उसको कंट्रोल करते हो कैश फ्लो आपके हाथ से निकल जाता है, कंट्रोल आपके आता ही नहीं है। ये सीसी लिमिट, मैं हमेशा इसके अगेंस्ट हूँ। मैं मानता हूँ कि आज एक स्टार्टअप को फंडिंग की जरूरत पड़ती है। फंडिंग एक स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फंडिंग आने से न केवल उसको फंडिंग मिलती है, उसका एरोप्लेन जो टेक ऑफ करता है, उसकी इमेज बढ़ती है, उसकी जो कंपनी है वो लाखों से करोड़ों में, करोड़ों से अरबों में पहुंचती है। ये एक बहुत बड़ा खेल है जो आपको समझना पड़ेगा। उसको फंडिंग की जरूरत है। बूटस्ट्रैप से, यानी कि अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या खुद की अपनी कैपिटल से, जो भी आपके पास है, आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है वहां से मॉर्गेज करके जो थोड़ा बहुत निकल सकता है वो आप लीजिए। अदरवाइज आपको ऐसा कोई पैसा जो कि इंटरेस्ट से मिल रहा है उसको अवॉइड करो, क्योंकि ये इंटरेस्ट जो है ये आपको डुबोएगा। इसको अवॉइड करो। भाग भी, भगवान भी, भविष्य भी उन्हीं का साथ देता है जिनमें साहस होता है। क्या आपके अंदर साहस है? क्या आप हमेशा फोकस कर रहे हो सिर्फ नुकसान की तरफ? जी नहीं, आपको फोकस करना है प्रॉफिट पर, और हाँ आपको फोकस करना है अपने एक्सपेंस पर, अपने नुकसानों पर, अपने लॉसेस पर भी। तो दोस्तों आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं, आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं, अपने अपने एम्प्लॉयज में, अपने मशीनों के अंदर, अपनी सेल्स टीम के अंदर, सबके अंदर चेंज लेके आइए। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप सब वो सोच सकते हैं जो आपने आज तक कभी नहीं सोचा है। मतलब आपको चेंज करना है अपने आप को। हर वो चीज जो है आपने नहीं सोची, करिए अपने आप को, बदलाव लेके आइए। वही तो नियम है संसार का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई टीम ही नहीं है और आप सारे के सारे काम, सारे के सारे ऑपरेशन आप खुद करते जा रहे हो? हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम यार, तभी तो आपके प्रॉब्लम के सलूशन निकलेंगे। सब काम खुद ही करोगे, मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, नहीं हो सकता। आपको टीम रखनी है। फिर उसके बाद अगर आपके नुकसान हो रहे हैं तो आपको इंटरनल टीम बढ़ा करके उनके साथ में, इंटरनल जो टीम है उन सब की मीटिंग बिठाइए, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बिठाइए, जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उन सब की मीटिंग बिठाइए। अच्छा चलिए, नहीं भी हैं, 2-3-4-5-7 लोग हैं अगर आपकी टीम के अंदर, आपके बिजनेस में, उनको बिठाइए, उनसे सलाह लीजिए। जो जो खोपड़े वाले लोग हैं जिनकी जो एडवाइस है वो मैटर करती है, उनके साथ में बैठ करके, चाहे 2-3 भी हैं, बैठिए मीटिंग में, बैठिए और उसका सलूशन को निकालिए। निकल सकता है, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सलूशन। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल एडवाइस, वो सब जो आपके वर्क डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं, जाइए उनसे आप सलाह लीजिए। तो दूसरों की सलाह लेकर भी आप अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने सलाह ली अपनी टीम से और साथ में कई बारी आपको बहुत सारी बातें दिखाई नहीं देती विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे में आपको सलाह लेनी चाहिए आउटसाइडर से, जो आपके वर्क डोमेन का एक्सपर्ट है, जाइए और उससे सलाह लीजिए, क्या पता बात बन जाए। आपका इंटरनल मीटिंग करने के बाद, लोगों से सलाह लेने के बाद, अब आपको करना क्या है? जब आपके पास सलाह आ चुकी है मीटिंग करने के बाद, आप लोग सोच चुके हो कि क्या करना है, तो आपको अब क्या करना है? अब आपको एक स्ट्रांग सा, अच्छा सा एक प्लान बनाना है। वो पुरानी कहावत है दैट इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपका कोई स्ट्रांग प्लान है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, स्ट्रांग क्या, वीक क्या, कोई प्लान ही नहीं है, तो क्या होगा? आप दोबारा फेल ही होगे ना। When God closes one door, He opens another. Give up मत करो, अपने प्लान को बनाओ। स्ट्रेटजीज बनाने के साथ में एक काम और भी कर सकते हो, आप लोगों के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हो। आप ये उसी प्रोफेशन के अंदर उसके साथ में लगते हो, कुछ प्रोफेशन के लोग हैं तो उनके साथ में कोलैबोरेट करिए, कोलैबोरेट कर सकते हो। साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेन कर सकते हो ताकि जितने भी नुकसान हुए दोबारा से नुकसान ना हो। अब अपनी पूरी लास्ट में मैं कहता हूँ कि अपनी स्वॉट एनालिसिस क्यों नहीं करते हो? स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अपनी स्वॉट एनालिसिस कीजिए, सब के सब मिल बैठ करके कीजिए, वो नुकसान जो आपके हुए वो नहीं होंगे।
चलिए लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारे बिजनेस कोर्स को या पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर लिखे हुए फोन नंबर पर आप कॉल कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक जरूर करना ताकि आपको वीडियोज बार बार मिलती रहे। और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और किस और विषय पर आपको वीडियो चाहिए नीचे की तरफ कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर लिखिए। मैं आपको जरूर सुनता हूँ अपनी टीम के थ्रू कि आप कौन कौन से विषय पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के आपको देता रहूँ। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शुभ खैर, बी सिंह, गुड नाइट।